Okay, children. Triveni, your mic is on. Do not open your mic unnecessarily without. Right? Okay. Saira. Good. Let's start the class. Today we'll do reading. Okay? Ma'am? Ma'am, you can present a present story. What? You can present the screen, ma'am. I will present later. Okay, ma'am. So, children, first thought for the day is do what is right, not what is easy. So, we should always do the right things, not easy things. Okay? Generally, kya hota hai? Hum aisi cheeze karte hai jo easy hoti hai. For example, studies ko dekh lo. Agar hum kuch aise learn kar rahe hote hai, और फिर मम्मा बोलेगी या मैम बोलेगी आपको कि आपको लर्न करने के बाद राइट भी करना है. यू हैव टू राइट आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट और दिस एनीथिंग. सो आप क्या करते हो, उसको लर्न कर लेते हो, बोलते हैं लिखने में कौन थोड़ा सा, आप बोलते हो ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, हम नहीं करते. या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. हम क्या करना पसंद करते हैं, जो चीज ईजी होती है, जो आसान होती है, जिसमें कम टाइम लगे या फिर कम मेहनत लगे. लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, सही चीज करनी चाहिए. डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी. है ना, ये नहीं देखना है कि हमें इजी इजी है तो हम ये कर लेते हैं. हमें देखना है व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड फॉर अस. ओके, सो दिस इज टुडेज थॉट चिल्ड्रन. एंड we did not do this activity, reading activity of curly locks. So first we will read curly locks, then we will start reading of some other text. पहले हम curly locks पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है? So this was curly locks. So I will ask, because few of you have read, कुछ लोगों ने पढ़ लिया था, five six लोगों ने, ठीक है? तो मैं जिससे पूछूंगी वो पढ़ेगा. पहले अनाबिया, open your mic and start reading till cottage तक पढ़ना. अनाबिया, अराधिया आपने पढ़ लिया था इसलिए मैं आपसे रीडिंग नहीं करवा रही, ठीक है? एक मिनट अनाबिया, आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही. हाँ, फिर से पढ़ो. आ रही है बट थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही और अच्छे से नहीं आ रही. ओके, गुड, स्टॉप देयर. गुड अनाबिया, लेकिन थोड़ा सा ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आप कहीं माइक लगा के, ईयरफोन लगा के पढ़ रही हो क्या? आ तो नहीं थी, उतनी अच्छे से नहीं आ रही थी. थोड़ा सा और चेक करना आपका, ठीक है? माइक वगैरह जो भी है, आ रही थी. आपने सही पढ़ा. अच्छा, कर्ली लॉक्स है ना, कर्ली लॉक्स ही पढ़ा था आपने, कर्ली लुक्स तो नहीं पढ़ा था. ओके, राइट. नेक्स्ट इज गुड अनाबिया,
आपको रीडिंग ऐसे करनी है, अभी जो जितने लोग बैठे अपने अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रीडिंग करेंगे, जिससे जिससे मैं करा रही हूँ वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? बीच बीच में जैसे टाइम मिलता तो आप अपने बुक से भी रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अनिरुद्ध इज देयर, ओपन योर माइक। आश्रिता आश्रिता ओपन योर माइक, है ये दोनों? लेट मी सी। नहीं है दोनों आज, ठीक है कोई बात नहीं। चलो हम तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम नेक्स्ट बच्चे से पढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट इज देवेश। देवेश ओपन योर माइक। देवेश भी नहीं है तो हाँ, यस देवेश ओपन योर माइक एंड से रीड दिस। यहां से पढ़ना है आपको इस से लेके वॉक तक। रीड करिए। देवेश रीड करो बेटा। Read the lines, Devesh. आपको मेरी आवाज आ रही है देवेश? देवेश ने स्क्रीन प्रेजेंटिंग करने की वजह से आपकी स्क्रीन हटा दी। देवेश माइक ऑन करिए, आप लोग को अभी माइक ऑन करना नहीं आ रहा है, माइक ऑन करने के लिए बोल रहे हो तो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो। मैम आपकी स्क्रीन तो है कि अभी? कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी फिर से। देवेश सिंह तोमर स्क्रीन अपना माइक ऑन करिए पहले, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए। चलो ठीक है रहने दो, इसको नहीं करना है तो। ध्रुव ओपन माइक। एक एक को यहाँ पे आके देखना पड़ रहा है मुझे अभी। यस मैम। ध्रुव अब आपको रीडिंग करनी, ठीक है ना? Okay. Yes. See anybody in? She asked. There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. The lock went in. She wanted to see who lived there. Okay, okay. This much only, Dhruv. Good. Next is Drishti. Drishti. Yes, ma'am. Drishti. रीड फ्रॉम हियर कर्ली लॉक्स से पढ़ना है आपको, ये दिख रही है लाइन कर्ली लॉक्स। कर्ली लॉक्स वेंट। कर्ली लॉक्स वन दे वन डियर इज ही
went into the forest near your hair house as such. कहाँ पढ़ रही हो आप मैम? जहाँ से आपने बोला था वॉक के नीचे पढ़ना है. वॉक लिखा हुआ है ना, गॉन फॉर अ वॉक. उसके बाद कर्ली लॉक्स दिख रहा है आपको मेरा एरो? yes, तो कर्ली लॉक्स वेंट इन. आप जो नहीं लिखा वो भी पढ़ रही हो, फिर से पढ़ो स्टार्टिंग से. कर्ली लॉक्स से कर्ली विथ इन सी वांटेड टू सी who who living things see who who two living things see no not living things living things live three बाबुल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से. मेरी आवाज आ रही पर आपके पास बुक है ना, आप देख के तो पढ़ सकती हो ना. श्री के बाद क्या बोल रही हो? थ्री मैम मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ. हाँ तो आप ठीक है, सौ भी तो लिखो, जान तक की क्यों पढ़ रही हो? वर्ड्स को छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है. अगर आपको रीडिंग नहीं आ रही है तो आप उसकी स्पेलिंग पढ़िए. अगर आपको नहीं ऐसे डब्ल्यू क्या होता तो आप डब्ल्यू पढ़िए. ठीक है, भागना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है किसी वर्ड. फिर से पढ़ो शी से. शी सॉ थ्री बाउल ऑफ पी ओ डबल क्या है वो, फिर से बोलो. थ्री बोल्स पढ़िए बेटा. पी ओ आर आर आई बी जी ई स्टार्ट फ्रॉम हियर. से स्टार्ट करो, फिर से पढ़ना. शी सॉ से फिर से पढ़िए. शी सॉ थ्री बॉल ऑफ पी ऑरेंज there was a big bowl. Bowl नहीं होता बेटा, it's not bowl. What is this? B-O-W, bowl. भी बताया ना ऊपर लाइन में. बॉल फॉर पापा बेयर विडन साइंस बाउ एंड बाउल. इस बाउल बोल रही हूँ. नाइट वर्ड फिर से पढ़ो उसको. बोल फॉर मम्मा बेयर एंड अ टेबल टी आई एन वाई टैन टैनिंग लिटिल Little bowl for baby bear. Baby bear.
आप दिन में दो बार रीडिंग की करो, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, और एक भी वीडियो नहीं भेजे आपने अभी, भेजे रीडिंग वीडियो एक बनाया था ना बस, डेली भेजना आपको अपने, ठीक है दृष्टि? ओके यस मैम, यस वेरी गुड, ठीक है चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिधि, धीमा है क्या क्लास में? यस मैम, यस परिधि किसका माइक ऑन है? अदर्स प्लीज टेक योर माइक, बहुत माइक है पीछे से, जैसे किसी के पापा की आवाज भी आ रही है पीछे से, टेक योर माइक एवरीवन, इट शुड बी क्लोज. यस परिधि यू रीड फ्रॉम कर्ली लॉक्स. Start, Paridhi. Curly Locks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle side. It was too cold. एकदम भागना नहीं है आपको, रीडिंग ऐसे नहीं करनी होती है आपको, कैसे रीडिंग करनी होती है जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ रुकना है ना, आप बिल्कुल नहीं रुक रही हो, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल कनेक्ट करके सही पढ़ रही हूँ, बट कहाँ पे रुकना है वो भी देखना है. देखो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, अभी ध्यान से सुनो पहले. कर्ली लॉक वॉज हंग्री, शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बोल. यहाँ पे स्टॉप है ना, आप लोग जाने दो वन सेकेंड के लिए. इट वॉज वेरी हॉट, फिर से यहाँ फुल स्टॉप है आप लोग. शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बोल, फिर से फुल स्टॉप है यहाँ पे. इट वॉज टू कोल्ड, फर्स्ट स्टॉप दिख रहा है ना. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बोल, अगेन यू स्टॉप. इट वॉज जस्ट राइट, फिर से रुक गए. ऐसे पढ़ो चलो परिधि, रीड कर्ली लॉक्स. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, she ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle-sized bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. Curly Locks. Stop there. This much only. Good. आपको भी बहुत प्रैक्टिस करनी है परिधि, ठीक है, और मुझे वीडियो भेजा करिए रीडिंग के, ठीक है. आपको भी लेसन लिख करिए, वीडियो बनाइए 2 मिनट्स का, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, 1.5 और 2 मिनट्स का वीडियो है और भेजिए, ठीक है परिधि. नेक्स्ट इज राधिका ओझा है. यस मैम. यस बेटा राधिका, अब यहाँ से पढ़ो कर्ली लॉक से. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरेज देम पोरेज
forest. Then she went to the bedroom. There was a big bed for Papa Bear. Papa Bear, middle size bed. Bed for Mama Bear. And very good. Tiny little bed for baby bear. The big bear. Bed. Baby bear. Baby bear, the big bed. Yes. Wash. Okay, this much only, Radhika. Very good, Radhika. Very nice. Yes, you read. Okay. लेकिन आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी है, सभी बच्चों को करनी है, सिर्फ आपको नहीं कह रही मैं। लेकिन अच्छा पढ़ा आपने, वेरी नाइस, कोई भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं किया आपने, सारे करेक्ट किए। बट थोड़ा और कॉन्फिडेंस आने के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? ठीक है, नो, आई विल कॉल द नेम, देन यू विल रीड बेटा, डोंट आस्क इन बिटवीन। यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड द सेम थिंग, कल भी क्लास में समझाया था ना, कोई ये नहीं बोलेगा कैन आई, मे आई। आई विल कॉल योर नेम वन बाय वन बिकॉज आई हैव अ लिस्ट, मैं उसी से पढ़ रही हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज रिदम। रिदम, यस मैम, आर यू देयर? यस रिदम, स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, टी आई एन वाई, टाइनी। रिदम आपको यहाँ से रीड करना है। द बिग बेड वॉज, द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, बट द tiny little bed was just right. देवी सिंह ने फिर से प्रेजेंट करके हम स्क्रीन नहीं दिख रही फिर है। बेटा प्रथम आप कहाँ से पढ़ रहे हो, अपनी बुक से पढ़ रहे हो क्या? अच्छा एक मिनट प्रथम रुक जाओ, स्क्रीन नहीं दिख रही है ना आपको अभी? योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? मैम भी नहीं दिख रही, देखिए मुझे भी नहीं दिख रही। मैम देवी सिंह ने ज्वाइन, वो आएगा फिर से ना, फिर वो ज्वाइन कर लेगा क्योंकि वो बार बार प्रेजेंट कर रहा है तो उसको आ भी रहा होगा, ऐसे उसको नहीं करना है तो अभी आ जाएगा। माइक भी ओपन नहीं कर रहा आज, प्रेजेंट कर रहा है बाद में, क्या हो गया उसको आज? देवेश को किसी से बात हुई उसकी, किसी के घर के पास रहता वो आप लोगों में से? मैम वो रोज मुझे मिलता है साइकिल चलाता, आपको मिलता है रोज? मैम वो ट्रस्ट, अभी वो अभी ज्वाइन होगा वो। मैम वो मेरे घर पे भी आता है खेलने के लिए। चलो ठीक है बेटा, अभी ये सब बातें नहीं करेंगे हम। मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ आता है कहाँ मिलता है, मैंने पूछा किसी के घर के पास रहता है क्या। चलो रिदम आगे बढ़िए आप। इन द
था टाइनी लिटिल बियर्ड। द बियर्ड फैमिली कैम बैक। द बियर्ड Somebody ate gruff boys. Achha, yeah. Shouted Papa. Ate my boys. No, beta, Vidham. Somebody. Ek minute, Vidham. Aap kahan pahunche ho? Somebody ate my porridge. Hai na? Yes. Shouted Papa. Shouted. Kya likha ye? Shouted matlab zor se chillana. Shouted Papa Bear in his big gruff voice. Big gruff voice. Gruff. Okay, that's it. Itna hi padhna hai. Very good. Aur thodi si practice daily karni hai aapko, theek hai? Rhythm. Acha padh rahe ho. Haan, Triveni hai kya? Triveni. वेदांश कुमरावत। यस मैम। यस। यहाँ से पढ़ना आपको। Somebody ate my porridge. Somebody ate my porridge. बेटर वेदांश, वेदांश मेरी बात भी बीच बीच में सुनते रहना आपको, ठीक है? ठीक है? एट, एट का नहीं बोलना, एट का नहीं आना चाहिए लास्ट। एट माय पॉरेज। वेरी गुड। शाउटेड शाउटेड पापा बियर 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 इन his bigger bigger फिर से बोला आपने, नहीं बोलना है ऐसा, big bigger, ठीक है? फिर से बोलिए। no no big 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 yes big gruff boys more very good next line somebody, somebody. Somebody ate my porridge too. Said beta, said. नहीं बोलना लास्ट में वेदांश, आप सारे वर्ड्स में आ बोल रहे हो, ठीक है? ये बात ध्यान में रखो और अवॉइड करो बोलना, और ये धीरे धीरे जाएगा, एक दिन से नहीं जाएगा। तो डेली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मम्मी को बोलो, वो बोलती रहेंगी आपको, और आपको भी चीज ध्यान में रखनी है। सेड आ नहीं लगाना लास्ट में, कहीं आ नहीं लगा हुआ है किसी में, ठीक है? बोलो सेड मम्मा बेयर, सेड पढ़िए बेटा। वेदांश कुमरावत पढ़ो। सेड मम्मा बेयर। यस। समबडी फिनिश्ड, फिनिश्ड फिनिश्ड आर माय द कौन से नहीं बोलना है, द जो साउंड है लास्ट का उसको ज्यादा नहीं बोलना है, उसको फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड my porridge said said देखो आप मुझे वही बोल रहे हो, said said नहीं बोलना, said said baby baby bear in his tiny little voice means आवाज। The
क्या स्पेलिंग लिखी है? स्पेलिंग तो पढ़ो. बियर. बियर. द बियर फैमिली went to the bedroom. बेटा रीडिंग नहीं आ रही आपको? सिंपल रीडिंग भी नहीं आ रही. ईडी बेड आर ओ एम. सुन रहे हो आप वेदांश? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और दूसरी बार जो आप आ लगाते हैं साउंड सब में, वो नहीं लगाना है ना. सेड ये नहीं बोलना है. आ साउंड ऐसे नहीं बोलना है. सेड. ठीक है, तो आज आप बहुत सारी रीडिंग करो, डेली करना है, वीडियो भी बना के भेजना है. ओके अपने आप वर्ड तो ले रहे हो, लेकिन कई जगह आप सिंपल वर्ड, देखो बेयर लिखा आपने, यहाँ दो तीन बार बेयर पढ़ा हो, यहाँ पे आप बेयर नहीं पढ़ पा रहे थे. सेम ही स्पेलिंग है. तो लर्न नहीं करना कुछ भी, आपको याद करके नहीं पढ़ना है, उसको उसके साउंड से पढ़ना है. ठीक है ना. ओके नेक्स्ट इज मैम मेरी. कौन बोल रहा है? मैं बीच में किसको नहीं पता कि नहीं बोलना है. मैं कॉल कर रही हूँ ना जिसने रीडिंग नहीं की थी, आप नहीं बताएंगे बेटा. ठीक है. ओके तनीष द्विवेदी, मैं सबसे पढ़वाऊंगी, रुक जाओ. यस मैम. तनीष कहाँ गया? मैम यस. तनीष आपको कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से. समबडी. समबडी लेफ्ट In my bed. Saturn. कहाँ पहुँच गए? Set. SAID set. Set papa. Big. B-I-G क्या होता है? B-I-G. Gruff. Gruff. Vicky. Voice, बेटा. Voice मतलब आवाज. Voice. Somebody. Slept. In my bed. Slept in my bed to. Said, Mama bear. Where is the bear? Mama bear. Yes. Somebody. Somebody. Whose mic is on and singing? Sleep. Yes. Somebody. Sleep. Somebody sleep. Somebody is. Sleep in sleeping in my bed. Said. Said. Bed. बेटा B-A-B-Y spelling तो पढ़ सकते हो ना आप? अगर word नहीं पढ़ना आ रहा तो spelling पढ़ सकते हो. तनीश क्या लिखा है? Baby bear. In his tiny little voice. बिल्कुल अच्छे से रीडिंग नहीं आ रही तनिष, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही है. 1 week से हम ये लेसन कर रहे हैं, आपको डेली ये लेसन पढ़ना चाहिए. आप लोगों से कितने लोग डेली पढ़ रहे हैं पता नहीं.
रीडिंग कर रहे हैं नहीं पता मुझे, बोला मैंने सबको है, बिल्कुल अटक अटक के पढ़ रहे हो, देखो इतनी देर में आपने 6 लाइंस पढ़ी है, हर एक वर्ड रुक रुक के पढ़ रहे हो बेटा। इसके लिए क्या करना है तनिष, हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ठीक है? तनिष बोलिए कुछ। ओके मैम। डेली रीडिंग करनी है आपको बेटा, और वीडियो बना के भेजो अपनी रीडिंग के, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेदांश प्रजापति। वेदांश प्रजापति ओपन योर माइक। वेदांश प्रजापति इज देयर और नॉट? आया है आज बेटा, माइक ऑन करिए वेदांश प्रजापति। इज देयर और नॉट वेदांश? आप हो क्लास में? नहीं हो? वेदांश प्रजापति ओपन योर माइक। देखो क्लास में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना ही है या नहीं है पता नहीं, लॉग इन करके कहाँ है नहीं मालूम, चैट में लिखिए कुछ प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज मुझे तो यही लगेगा कि आप क्लास में नहीं हो। मैं हूँ। तो हूँ तो इतनी देर में क्यों बोल रहे हो, कहाँ गए थे? नेटवर्क हो रहा है, नेटवर्क फंस रहा था। जब पिछली बार भी मैंने आपको जब पूछा था तो आपने बहुत देर बाद माइक ओपन किया था बेटा, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। कैमरा ऑन करिए पहले बेटा। कैमरा ऑन ही है मैम। ऑन है? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो आप रीड करोगे? यस मैम। ओके वन मिनट, आपको यहाँ से पढ़ना है Somebody is sleeping. Somebody is sleeping in my bed, said baby. Where? In is to tiny little where? Boy. Curly lock walk up. Woke up. बेटा जो आप रॉन्ग पढ़ते हैं ना उसको दोबारा पढ़ा करिए। कर्ली लॉक्स वोक अप, फिर से पढ़ोगे लाइन? कर्ली लॉक्स वोक अप। कर्ली लॉक्स सी सा द थ्री बेयर्स। वेरी गुड। Jumped down and ran. Then you ran out of the cottage as fast as sea cloud. Good. 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 इसमें L silent है ना? और प्रैक्टिस करिए वेदांश, ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा सा रुक रहे हो। ओके ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज यशवर्धन। यशवर्धन है? यस मैम। यस यशवर्धन, आपको पढ़ना है? यस मैम। फर्स्ट पेज से। टू मिनट मैम। Once there was a girl. बेटा एक मिनट,
आप बीच बीच में ये सुनते जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, और उसको फिर से पढ़ना। देयर बॉस नहीं होता, कल ही बताया था मैंने, देयर बॉस, वो बोलना उसको, क्या बोलोगे? बॉस। यस, वंस देयर वाज वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वाज वाज, फिर से वाज, हर नेम वाज वाज, वंस देयर वाज अ गर्ल with curly hair, her name was curly locks. Beta, suno. Yes, Vandan. When yes, there ma'am. Is a full stop, when there is a full stop, you have to stop there for a while. एक second के लिए रुकना है. उस second परिधि को बताया था मैंने. आप सुन रहे थे ना तब? Yes, ma'am. हाँ, तो आपको जैसे आपने पढ़ा वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर, फिर रुकना यहाँ पे, फुल स्टॉप है, हर नेम वाज कर्ली लॉक्स, फिर से फुल स्टॉप है, रुकना है, ठीक है? चलो, वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली, ओके मैम, वंस देयर वाज अ गर्ल विद curly hair, hair, okay, ठीक है, curly hair, her name was curly locks, her name was curly locks, curly locks, yes, one day she went into the forest. She went into the forest. Near her house. She saw cottage. Sorry. No, again you have to saw. She saw a cottage. Yes, okay. This much only practice karo. Abhi bahut se pronunciation clear nahi aapke. Saw, was, theek hai, especially she. Ye sare word. Aur achhe se bolna hai, theek hai? Aur baar baar padho. Ma'am, kyunki mujhe pehle pata nahi. ताना की वाज को वाज कहते हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ओके, लेकिन हम कब सीखेंगे? अभी आपकी हैबिट बन गई ना, तो आप जिसको बार बार पढ़ोगे, बार बार ठीक करोगे, तो आपको फिर अच्छे से लर्न हो जाएगा, फिर आप वाज ही बोलोगे, ठीक है? हाँ, राइट, ओके, नेक्स्ट इज सताक्षी। यस मैम। Yes, read from is anybody. Is anybody in? She asked. There was nobody. The bear. Nobody. The bear's family lived in the cottage. They had gone for a walk. Curly locks. Okay, beta, Sataksha. This much only. Next is Ruhani. Read this curly locks. Are you there, Ruhani? Okay, Kushal, you read. बाद में पढ़ेंगे फिर. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, Ruhani. Kushal, wait. Ma'am, कहाँ से? What, ma'am? आप कहाँ गए थे, Ruhani? कहीं गए थे क्या? Yes, ma'am. वो कहीं गए. वो कुछ करने. Curly locks. One day she went into the
the forest near her house. She was a cottage. कहाँ पर ली हो रूहानी? She saw a cottage. Is anybody in? She asked. There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. Okay, this much. Okay, beta, this much. Good. Okay, next is Kushagra. Read from here. Curly locks went in. Curly locks went in. He went to see. Your voice is breaking, Kushagra. अच्छे से नहीं आ रही आवाज अभी. Read again. She saw. He saw a forest. There was a big forest. Okay, this much only. Kushal, okay, this much. Okay. थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रही है अभी. पहले स्टार्टिंग में ठीक थी, अभी ब्रेक होने लगी है आपके पास. ओके, दिस मच ओनली. नाउ आयमान. आयमान. यस मैम. यस, रीड फ्रॉम हियर. मिडिल साइज. मिडिल साइज और मामा बीर. आयमान, वन मिनट. कुशाग्र अपना माइक क्लोज करिए बेटा. किसका माइक ओपन है? क्लोज योर माइक. सिर्फ आयमान का ओपन होना चाहिए. बहुत शोर आ रहा है. यस आयमान, कैरी ऑन, स्टार्ट. मामा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बेयर. करी लॉक्स वाज हंग्री. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle size bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. Okay, this much only. Okay. Ayman, this much. Thank you. Good. Aradhya, lead from here. Aradhya. Yes, ma'am. Yes. Curry logs. Curry logs that up all the. एक मिनट. सब लोग, मैं देख रही हूँ कई बच्चे इसको ए टी ई को एड बोल रहे हैं. एड नहीं होता, जब ए टी होता है बस. रुको मैं लिख के दिखाती हूँ, वन मिनट. हाँ, सी व्हेन इट इज ए टी, तो दिस इज व्हाट. आराध्या, हम क्या रीड करते हैं इसको? एड. और जब ए टी ई होता है तो क्या रीड करते हैं इसको? एड. क्या बोलते हैं? ए. तभी तो ये होमोफोन्स होता है, ये और ई आई जी एस टी एट. दोनों का साउंड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्यों सेम है? इसीलिए ये दोनों क्या है? होमोफोन्स है. स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग्स आर डिफरेंट, बट प्रोनाउंसिएशन और यू कैन से साउंड इज सेम. ए टी ई एट, ई आई जी एस टी एट. अब याद रखना सब लोग, ठीक है? ओके, start. Curly logs ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. Good. There was a big bed for Papa Bear, a middle sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for baby bear. The big bed was very hard.
Very nice. Okay, this much only. This much. Very good, Aradhya. Anika is there. Anika? The middle size bed was too soft, but the tiny little bed was just right. Curly locks. See? Anika, अभी मैंने समझाया था ना परिधि को और यशवर्धन को, फुल स्टॉप, किसी को भी जिसको भी, आपको क्या करना है, फुल स्टॉप में रुकना है. थोड़ा सा रुक लो. कर्ली लॉक्स फील फेल, FELL फेल, जैसे फील होता है ना, उसका ये पास्ट टेंस है. फील मतलब जब आप कुछ फील कर रहे होते हो, और फेल मतलब यहाँ पे तो खैर सो जाना है, फेल का मतलब, ठीक है, उसका पास्ट In the tiny little bed, somebody ate bed. The bear family came back. The bear family come back. Somebody. Come नहीं है. Come की spelling है. Somebody. Anika, what is the spelling of come? Anika, आप सुन रही हो मेरी बात? C-O-M. What is the spelling of come? C-O-M. C-O-M-E. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? C-A-M-E. मतलब कि came. Come का जो past है वो होता है came. Come मतलब आओ, और कोई आ गया already तो उसको क्या बोलेंगे? Came. है ना, जो हो गया है जो चीज उसको हम पास्ट बोलते हैं ना. ओके चलो, दिस मच ओनली. सो आज के लिए इतना ही बेटा. आई होप कि सबने पढ़ लिया है. सिर्फ इसने नहीं पढ़ा, दिव्यांश मीना ने. तो टाइम इज अप. दिव्यांश मीना Yes, ma'am. Divyansh, Meena, ये पढ़ के दिखाओ मुझे फोर लाइन. स्टार्टिंग बेटा, अभी नहीं पूछ रही मैं. मैंने पिछली बार पढ़वा लिया था ना, और जो बच रहे हैं उनको कल कर लेंगे, ठीक है? अभी आप क्या कर रहे हो? आप स्पेलिंग पढ़ के फिर रीड कर रहे हो. O N C E ones, T H E R E there, W A S was, है ना? ऐसे कर रहे हो. तो ये आपने जब आपको प्रैक्टिस करनी थी शुरू शुरू में आपने किया, लेकिन अभी आपको क्या करना है?
आपको डायरेक्ट पढ़ना है। कैसे? मन में आप पढ़ो ओ एन सी अगर आप उसको देखना चाहते हो, लेकिन ऐसी हैबिट मत बनाओ आप कि आप स्पेलिंग पढ़ोगे फिर वैसे रीड करोगे। आप डायरेक्ट रीड करने की कोशिश करिए, ठीक है? थोड़ा सा आप टाइम ले लो, आप थोड़ी देर में पढ़ो, जैसे कि वंस, फिर थोड़ा आपने इसको सोचा, फिर देयर, फिर सोचा इसको, फिर वॉज, फिर गर्ल, लेकिन स्पेलिंग बोल बोल के मत पढ़ो, ठीक है? अब आपको डायरेक्ट पढ़ने की हैबिट डालनी है। ओके दिव्यांश, यस, और प्रैक्टिस करो, आने लगेगा, आपको आ रहा है अभी, और प्रैक्टिस करिए, टू टाइम्स रीडिंग किया करिए डे में। ओके ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स कम बैक टू यू, और जिससे भी नहीं रीडिंग हो पाई है वो कल करेंगे, ठीक है? जो जो बच गए मैंने टिक कर दिया, जिसने जिसने आज पढ़ लिया, कल फिर जिन्होंने पढ़ दिया आज वो नहीं बोलेंगे कि आप मुझसे पढ़ाओ आज, अब जिनकी चांस आज नहीं आई है वो करेंगे कल रीडिंग। ओके, और कल कुछ मैं नए टेक्स्ट भी लाऊंगी, न्यू टेक्स्ट कोई स्टोरी की, वो भी आप रीड करोगे, और कल किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ, पहले तो उनसे जिनकी चांस नहीं हुई है, फिर उसके बाद किसी से भी, सब रेडी रहेंगे, सब एटलीस्ट वंस इन अ डे सब रीडिंग करेंगे जिनको आ रहा है, और जो अभी थोड़ा सा जिनको ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की वो टू टाइम्स करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस। ओके राइट, सो व्हाट विल डू शांति पार्ट फर्स्ट, बट बिफोर दैट यस ओके, सो एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है या कहना है, तारुष को कुछ कहना है, तारुष की चांस नहीं आई क्योंकि आज, कल आ जाएगी। ओके तारुष, ठीक है, सबसे फर्स्ट पूछेंगे आपसे कल। यस, सो शैल वी डू शांति पाठ कर ले? यस मैम। ओके, सो सिट स्ट्रेट एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स, किसी को कुछ कहना है क्या राधिका को? Okay. Close your eyes. Oh. Shanti, 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 please. Sairamika, leave the class now. Leave the class. Yashwardhan ne to sweater pehen liya aaj.